इज कॉल्ड जेनेट्रॉन। जी हाँ गाइस, एक बार इसका पावर देखो आप लोग। मतलब देख रहे हो, हल्का सा भाई उड़ते उड़ जा रहा है भाई ये यहाँ पे भाई इसने। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर GTA 5 वीडियो। तो एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं एक और मस्त सी GTA 5 मेगा रैम वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा मस्त और काफी ज्यादा अलग होने वाली है, क्योंकि इस बार सुपर कार्स की जगह है सुपर बाइक्स। और भाई बात यहाँ पे सुपर सुपर की हो रही है, तो मैं यहाँ पे भाई सस्ता सा यार कैरेक्टर क्यों बना हुआ हूँ, अपने सुपरमैन को लेकर आते ना, वही तो पार कराएगा इस मेगा रैम को। तो चलो सुपर बाइक्स को चलाने के लिए सुपरमैन यहाँ पे आ चुका है। तो भाई अब हम लोग एक एक करके इन सभी सुपर बाइक्स को लेकर जाने वाले हैं और देखते क्या ये इस मेगा रैम को पार कर पाएंगी। काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले सुपर बाइक है गाइस KTM। जी हाँ गाइस, बाइक्स का नाम और KTM ना है, छपरियों की शान तो बात ही नहीं है भाई। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले KTM को लेकर निकलते हैं भाई। और यहाँ पे गाइस ये देखो, आते ही भाई इसने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे भाई इसके सप्रेसर्स काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम करते हुए, और यहाँ पे पंखे से भी बचता हुआ भाई। ओहो भाई साहब, क्या ही तो जंप थी भाई ये, मतलब मुझको तो लगी गई खाई में, बट यहाँ पे इसने मार के जंप कर दिया है गाइज इसको पार। तो भाई यहाँ पे क्या ये इस मेगा रैम को पार कर पाएगी? अगर पार कर दी तो KTM के लिए काइक होना चाहिए भाई। यहाँ पे भाई जाती हुई गाइज हमारी लक्ष्य की तरफ, और यहाँ पे कर दिया पार भाई। सुपरमैन का जवाब नहीं यार, यहाँ पे फेंक दी भाई, हो गया तेरा काम, चल निकल। तो अब इसके साथ एक व्हीली हो जाए भाई, यहाँ पे भाई काफी मस्त व्हीली मार के गाइज अब चलते अपनी अगली बाइक की तरफ। तो भाई अपनी अगली बाइक है हायाभूसा। जी हाँ गाइज, बाइक्स की मामले में हायाभूसा इज वन ऑफ द बेस्ट सुपर बाइक गाइज। यहाँ पे इसको लेकर चलते हैं भाई, और यहाँ पे भाई काफी अच्छी तरीके से ये भी जाते हुए काफी स्मूथ है भाई। वैसे तो भाई इस आइस मेगा रैम पे काफी ज्यादा दिक्कत होती है गाइज, बाइक्स फिसलती बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पे भाई हायाभूसा काफी ज्यादा अच्छे से जाती है, काफी सेटिस्फाइंग लग रहा है भाई। थोड़ा सा भाई यार इतने अच्छी तरीके से कौन जाता है यार, मतलब यहाँ पे देख रहे हो इसका सप्रेसर्स देख रहे हो दोनों कितने भाई, बाइक्स एकदम मस्त भाई, बाइक्स लेकर जाओ यार मेगा रैम पे। यहाँ पे भाई ये लगता है ये भी कर लेगी पार यार, यहाँ पे कार्स की जरूरत ही नहीं है भाई, बाइक्स ही काफी अच्छे से पार कर रही हैं। और भाई बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे कर दिया है भाई हायाभूसा ने पार, और इस व्हीली के लिए एक लाइक तो बनता है यार। और भाई साहब क्या ही तो भाई, जीरो डैमेज यार, डैमेज 1% नहीं है। तो अब बारी है पल्सर की। जी हाँ गाइज, अभी हम लोग लेकर चलने वाले हैं पल्सर भाई। यहाँ पे भाई पल्सर काफी ज्यादा अच्छी कोशिश कर रहा है भाई, मतलब यार कहाँ KTM हायाभूसा और कहाँ पल्सर। और भाई पल्सर ने अपना जादू दिखाना शुरू कर दिया है भाई, यहाँ पे काफी अच्छी भाई जंप वगैरह लगा रहा है ये, और एकदम से भाई संभाल ले रहा है खुद को भाई। इसके सप्रेसर इतने ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर रहे हैं, फुल्ली मॉडिफाइड पल्सर है भाई ये। और यहाँ पे गाइज लगता है ये भी कर लेगा इस मेगा रैम को पार, और यहाँ पे बड़े आराम से कर दिया है इस मेगा रैम को पार पल्सर ने। तो भाई अब चलते हैं दूसरी बाइक की तरफ, जो कि है गाइज एक बुलेट। जी हाँ गाइज, अभी तक हम लोग काफी ज्यादा मस्त सी स्पोर्ट्स बाइक लेकर जा रहे थे, बट अब भाई हम लोग लेकर जाने वाले हैं एक बुलेट, और देखते हैं क्या भाई साहब। यहाँ पे एक देखा आप लोगों ने भाई, इसकी लैंडिंग कितनी ज्यादा स्मूथ, और भाई बच गई यार, मुझको तो लगा यहीं पे खेल खत्म, बट यहाँ पे भाई क्या ही तो भाई निकला है यार, मतलब यार यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से भाई ये जाता हुआ, क्या ये भी कर लेगा इस मेगा रैम को पार भाई? अभी से कमेंट करके बता दो यार भाई, अब तक का बेस्ट भाई, सबसे स्मूथ जा रहा है यार ये बाइक, मतलब देख रहे हो हल्का सा भाई उड़ते उड़ जा रहा है भाई ये यहाँ पे भाई, इसने भी कर दिया है इस मेगा रैम को पार। व्हीली की जरूरत नहीं है यहाँ पे, व्हीली होने भी नहीं वाली भाई, इससे व्हीली नहीं होगी, बहुत भारी बाइक है ये। तो इसके लिए ऐसे ही लाइक करो फटाक से, इतना ज्यादा मस्त भाई हमारा बुलेट यहाँ पे पहुंचा है भाई इसके। और भाई अब लेकर चलते हैं एक ऑफ रोडिंग बाइक। भाई ये बाइक किसी मूवी में सलमान खान चला रहा था यार, बताओ किस मूवी में यार। और यहाँ पे भाई ये भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ, अभी तक लगातार 4 बाइक्स गाइस मेगा रैम को पार कर चुकी हैं, तो क्या ये भी कर पाएगा या नहीं? और यहाँ पे भाई मुझको तो नहीं लगता, क्योंकि भाई अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये अभी हक देगा यहीं पे। और भाई यहाँ पे भाई लगता है दिल पे ले ली बात इसने, अच्छी तरीके से यहाँ पे जाता हुआ, और भाई देखो जिसका डर था वही हुआ,
भाई मैं शुरू से ही मुझको यही लग रहा था कहीं ये होल में फंसी तो सुपरमैन सीधा बाहर आने वाला है भाई। तो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, अब दिखाता हूँ आप लोगों को एक खतरनाक सी बाइक। जी हाँ गाइज, ये है एक स्केलेटन मॉन्स्टर बाइक जो कि दिखने में काफी ज्यादा डेंजरस है, क्या चलने में भी है, तो हम लोग तो चलाने में विश्वास रखते हैं भाई, दिखने में नहीं। यहाँ पे भाई इसको लेकर चलते हैं और देखते हैं क्या ये भी कर देगा इस मेगा रैंप को पार। और यहाँ पे भाई जा तो रहा है काफी अच्छी तरीके से, और भाई मुझको भी भाई इसमें वैसे ही फीलिंग आ रही है। तो भाई यहाँ पे ये काफी स्मूथ जा रहा है यार, मतलब यार यहाँ पे स्मूथनेस इसमें भी है और थोड़ा बहुत फिसल भी रहा है भाई यहाँ पे। और गाइस काफी ज्यादा नजदीक होता हुआ गाइस, क्या ये भी कर देगा इस मेगा रैंप को पार या फिर नहीं। यहाँ पे भाई देखो सेम चीज फिर से भाई, देख रहे हो काम बड़े नाम बड़े दर्शन छोटे, वही वाली सीन मैं उल्टा बोल रहा था, नाम बड़े दर्शन छोटे हो गए भाई। और गाइस इस बाइक को एक बार देखो यार तुम लोग, दिस इज कॉल्ड जेनेट्रॉन। जी हाँ गाइस, बाइक्स की बात हो और ये ना आए, इसको लेकर चलते भाई। इसका गाइज आप लोग को एक जगह पे मैं इसका पावर दिखाने वाला हूँ भाई कि कितनी ज्यादा ऑसम बाइक है भाई ये। यहाँ पे भाई अभी तक तो ये काफी अच्छा चल रहा है, स्मूथ नहीं भाई, बुलेट तो बुलेट थी भाई, उसके मुकाबले की स्मूथनेस किसी में नहीं है भाई। यहाँ पे भाई ये जा तो काफी अच्छा रहा है, यहाँ पे भाई मतलब यार गाइज इसने काफी अच्छे से सब कुछ पार किया है। और यहाँ पे पंखे में लड़के, और गाइस एक चीज दिखाऊं आप लोगों को, दिस इज कॉल्ड जेनेट्रॉन। जी हाँ गाइस, एक बार इसका पावर देखो आप लोग, मतलब यार जब बात आती है इसके ब्रेक्स की और एक्सेलरेट करने की तो ग्रेविटी भी वहां पे भाई दम तोड़ देती है। तो भाई यहाँ पे अपने जेनेट्रॉन ने भी कर दिया है पार, बट इसको हम लोग एज अ विनर नहीं मानेंगे, हम लोग इसको नीचे ले जाकर गिरा देंगे क्योंकि भाई ये अपने पावर के बल के ऊपर आ गया था। पर कुछ भी कहो भाई, बाइक एक नंबर है गाइस ये जेनेट्रॉन गाइस। और गाइस ये लास्ट में एक सस्ती सी बाइक मैंने पता नहीं क्यों रखी है भाई, मतलब यार मुझको पता नहीं इससे क्या उम्मीद है। और ये देखो भाई अग्दी यार यहीं पे अग्दी, मतलब भाई इसमें तीन पहिए हैं यार, ये ओवर बैलेंस्ड हो जाती है भाई जैसे ही कहीं पर गिरने चलती है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं इसे, और फिर भाई भाई सुपरमैन का सर घुस जा रहा है। तो भाई ये तो नहीं पार होने वाली। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना यार, जरा सा भी अगर आप लोगों को लगा हो कि हाँ मैंने वीडियो को एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और ये बाइक पता नहीं क्यों लास्ट में रखी थी मैंने, मतलब यार ये सलमान खान लेकर उड़ता है भाई उस मूवी में, क्या नाम थी उस मूवी की जिसमें वो बहुत मदद करता है, कमेंट करके बताओ। सलमान खान की दो मूवीज के बारे में मैंने पूछा। और एक चीज सब्सक्राइब करो फटाक से यहाँ पे सुपर हीरो लैंडिंग, और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, 5K करवा दो यार फटाक से, बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला 5K पे। तब तक लेटा टाटा।